दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की एक कंपनी है जिसको कि अभी अभी 7 साल पूरे हुए हैं नेटवर्क मार्केटिंग में इसी नवंबर में। दोस्तों, उस कंपनी का नाम है AWBL, Asclepius Wellness Private Limited। दोस्तों, इस कंपनी की शुरुआत संजीव कुमार जी ने की थी, जिनका साथ निभाया है उनके दो बहुत बढ़िया साथियों ने, मानचंद जी और उसके अलावा अमित कुमार जी ने। दोस्तों, कंपनी का अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जयपुर में, और इसके अलावा दोस्तों कंपनी के जो मेन MD हैं, जो कि आपका है संजीव कुमार जी, वो एक्स आर्मी मैन रह चुके हैं और दोस्तों नेटवर्किंग में भी उन्होंने कुछ समय बिताया है। दोस्तों, शेफ शॉप की अगर हम बात करें तो शेफ शॉप के ही कई लीडर्स AWBL में भी आए हुए हैं, वहीं से AWBL की शुरुआत भी हुई है। दोस्तों कंपनी का जो हेड ऑफिस है वो दिल्ली में द्वारका में स्थित है। द्वारका में आप सेक्टर 17 में जाएंगे, वहाँ पे आपको कंपनी का हेड ऑफिस मिल जाएगा। उसके अलावा दोस्तों, अगर मैं कंपनी की बात करूँ, कंपनी के अगर हम प्रोडक्ट्स पे आएँ, तो दोस्तों कंपनी का जो प्रोडक्ट्स है उसमें ज़्यादातर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, क्योंकि दोस्तों एक सर्वे है कि 2050 तक आने वाले जो साल 2050 है उस तक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत होगी मार्केट में ड्यू टू डिसीज, मतलब बीमारियों के कारण। तो दोस्तों ये एक अच्छा स्टेप है। लेकिन दोस्तों अगर हम आज की बात करें तो आज की बात क्या है कि जो कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं उनमें मुझे कुछ खास दम नहीं लगा, क्योंकि क्या है कि दोस्तों अगर कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं ना वो अगर आज के टाइम में लोगों की ज़रूरत के अनुसार नहीं होंगे तो दोस्तों कहीं ना कहीं उस कंपनी का ज़्यादा अच्छा सर्वाइव कर पाना बहुत मुश्किल है। दोस्तों, इस कंपनी के प्रोडक्ट्स में मुझे कहीं भी ये नहीं दिखा कि कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है जो कि लोगों के डेली यूज़ में आता ही आता है, यानी कि अगर वो कंपनी में काम नहीं कर रहे हैं तो भी वो प्रोडक्ट कहीं ना कहीं से ले ही रहे हैं, ऐसा कोई प्रोडक्ट मुझे नहीं दिखा। मतलब एक तरीके से जो भी इनके प्रोडक्ट हैं आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, वो बेसिकली उन लोगों के लिए हैं जिनको कुछ ना कुछ बीमारियाँ हैं। जैसे इन्होंने काफ़ी दिखाया कि मधुमेह की भी इनके पास उपचार है, मोटापे का उपचार है, और भी काफ़ी हैं, थायराइड है, बीमारियों के बहुत इनके पास जो आयुर्वेदिक उपचार है वो सब इनके पास सप्लीमेंट्स हैं एक तरीके से। तो दोस्तों वो तो हर कोई नहीं लेगा ना, मतलब वो तो उन्हीं लोगों के लिए है बस जिनको कुछ बीमारी है या जिनको चाहिए, जिनको ज़रूरत है। मतलब ऐसा तो नहीं है कि जो स्पेशल कुछ प्रोडक्ट्स हैं, मतलब जो कि डेली यूज़ के प्रोडक्ट हैं, वो तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे है ही नहीं। तो दोस्तों प्रोडक्ट्स के मामले में तो मैं कंपनी का मतलब बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया, और केवल मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि बस कंपनी बीमारों के लिए है, जो आज के टाइम में बीमार हैं वो इस प्रोडक्ट को ख़रीद सकते हैं और कंपनी की शुरुआत कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट में तो कुछ भी मज़ा नहीं आया, क्योंकि इस टाइप के प्रोडक्ट्स में क्या होता है ना कि आप जैसे मान लीजिए कोई बीमार है उसको आपने दे दिया तो ठीक है, या फिर उसको आपने किसी और को आपने अपॉर्चुनिटी के नाम पे एक बार चिपका दिया, लेकिन बार बार वो आपके प्रोडक्ट्स लेगा नहीं क्योंकि वो उसके डेली यूज़ के हैं ही नहीं। तो कुछ ना कुछ कंपनी को इस बारे में ज़रूर विचार करना चाहिए कि अपना डेली यूज़ के प्रोडक्ट लाने चाहिए। प्रोडक्ट में तो बिल्कुल भी दम नहीं है, मतलब मज़ा नहीं आया प्रोडक्ट में। ये मैं मैक्सिमम लोगों के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो है वो यार हमारे देश में 135 करोड़ की जनसंख्या है, तो 135 करोड़ में ऐसा तो है नहीं कि यार 130 करोड़ या 100 करोड़ बीमार है या फिर 50 करोड़ लोग बीमार ही है, ऐसा नहीं है। तो यही है कि प्रोडक्ट्स में थोड़ा काम करना चाहिए कंपनी को। दोस्तों, पेमेंट प्लान की बात करें तो जैसे दूसरी कंपनी पॉइंट वैल्यूज पे काम करती है, ऐसे ये लोग सेल पॉइंट पे काम करते हैं, यानी कि SP पे। और दोस्तों इनके यहाँ पे जो ज्वाइनिंग होती है वो केवल आप 3 ही तरीकों से कर सकते हो, या तो आप 27 सेल पॉइंट से करो, या फिर 52 सेल पॉइंट से करो, या फिर 100 सेल पॉइंट से करो। 27 सेल पॉइंट में लगभग 4 से 5 हज़ार रुपये की आपको खरीदारी करनी होती है, 52 सेल पॉइंट में आपको 8 से 10 हज़ार रुपये की खरीदारी लगभग करनी होती है, और उसके अलावा 100 सेल पॉइंट में 13 से 15 हज़ार रुपये की खरीदारी करनी होती है। ये दोस्तों कंपनी ने ज्वाइनिंग का प्रोसीजर रखा हुआ है, बट मेरी नज़र में तो ये बिल्कुल बेकार प्रोसीजर है, क्योंकि कई कंपनियां मार्केट में ऐसी भी हैं जहां पे आप 1000 रुपये से भी ज्वाइनिंग कर सकते हैं, अगर आप उनके 1000 रुपये के प्रोडक्ट भी लें जो तो भी आपकी ID एक्टिव हो जाती है। लेकिन दोस्तों 4000 से 5000 मिनिमम रखना, मतलब ये कहीं ना कहीं समझ में नहीं आया है, और पता नहीं कंपनी किस बेसिस पे काम कर रही है और क्या कर रही है, मतलब क्या उनका विज़न है। लेकिन ये जो पेमेंट प्लान वाली ये चीज़ है ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि अगर आपको मैक्सिमम लोगों को कवर करना है तो आपको मिनिमम क्राइटेरिया देने पड़ेंगे, और इन्होंने मिनिमम क्राइटेरिया 4 से 5 हज़ार रुपये दे रखा है। यार मान लीजिए किसी पर्सन की 20 हज़ार रुपये की सैलरी है और वो आपके साथ काम करने में इंटरेस्टेड है, तो वो महीने के 4 से 5 हज़ार रुपये तो आपको नहीं देगा ना एकदम। दोस्तों अगर कंपनी के प्रोडक्ट्स या ज्वाइनिंग प्रोसेस की बात करें तो उसमें तो मज़ा नहीं आया बिल्कुल भी। और इसके अलावा दोस्तों अगर हम इनके पेमेंट प्लान की बात करें तो 6 तरीके की इनकम ये लोग देते हैं दोस्तों, और इसके अलावा इन्होंने कैपिंग भी लगाई हुई है हर हफ्ते की। कैपिंग का मतलब होता है, जिनको नहीं पता है मैं उनको बता देता हूँ, कि मैक्सिमम लिमिट होती है कि आप इतना ही अर्न कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप अर्न नहीं कर सकते। तो दोस्तों हफ्ते की इन्होंने कैपिंग लगाई हुई है, अगर आप 27 सेल पॉइंट से ज्वाइनिंग करते हैं तो 50 हज़ार रुपये पर वीक की कैपिंग लगाई हुई है, कि 50 हज़ार रुपये हफ्ते से
आप ज़्यादा अर्न नहीं कर सकते। अगर आप 52 सेल पॉइंट से ज्वाइन करते हैं तो दोस्तों उसमें 1,00,000 रुपये की कैपिंग लगाई हुई है हफ्ते की, और अगर आप 100 सेल पॉइंट से यानी कि 13,000 से 15,000 रुपये के बीच में प्रोडक्ट लेते हो और ज्वाइनिंग करते हो तो दोस्तों आप हफ्ते के ज़्यादा से ज़्यादा 1,50,000 रुपये कमा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, ये कैपिंग लगाई हुई है। तो दोस्तों पेमेंट प्लान भी मतलब ठीक है, कोई ज़्यादा खास नहीं है। देखो यार, पेमेंट प्लान तो तभी काम करेगा ना जब प्रोडक्ट अनुसार के होंगे और ज्वाइनिंग प्रोसेस वैसा होगा। तो प्रोडक्ट और ज्वाइनिंग प्रोसेस में मेरे ख्याल से वो बात नहीं है जो अदर कंपनीज में है, मतलब वहाँ पे AWPL थोड़ा फेल होती है। तो दोस्तों बस यही है AWPL के बारे में मेरी राय। तो दोस्तों कैसी लगी मेरी वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचता रहेगा दोस्तों। और हाँ, एक चीज़ और, बाकी सब चीज़ों में अगर आप देखें तो गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग काम कर रही है और प्योर कंपनी है, लीगल कंपनी है, लेकिन वही है कि प्रोडक्ट्स और ज्वाइनिंग प्रोसेस में मज़ा नहीं आया।